मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संशोधन के बाद पहला एकल विवाह का आयोजन धार में स्थित आर्य समाज मंदिर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए तथा मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत 1,00,000 रुपए की राशि नवदंपत्ति को दी गई। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत धार में स्थित आर्य समाज मंदिर, तिरला जनपद पंचायत क्षेत्र की एकल दिव्यांग नवदंपत्ति सुरेश सिसोदिया तथा लक्ष्मी सिंगार को 51,000 रुपए तथा मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत 1,00,000 रुपए की राशि नवदंपत्ति को प्रदान की गई। इस दौरान धार कलेक्टर दीपक सिंह अपने तमाम आला अफसरों के साथ इस विवाह में मौजूद रहे। योजना के तहत नवदंपत्ति को 1,00,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। जीवन को व्यापन करें, किसी प्रकार आपका वैदिक पद के अनुसार विवाह पूर्ण हुआ। मुख्य वधु यदि विवाह करते हैं और यदि सिंगल मुख्य वधु हो, एकल हो, तो उसको 1,00,000 रुपए, मतलब दोनों मुख्य वधु है ना, तो उनको 1,00,000 रुपए। और यदि किसी मूल वधु या दिव्यांग के साथ कोई दूसरा शादी करता है, उसको शादी में 2,00,000 रुपए देंगे। दूसरा है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो सामग्री दी जाती है वो दिए जा रहे हैं, ये करीब 5,000 रुपये की रहती है, ये बर्तन और ये अलग से क्योंकि ये प्रथम विवाह है, प्रदेश का भी पहला, शहर का पहला है। एकल विवाह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एकल विवाह में भी एक पात्रता हो गई, पहले सामूहिक में होता था। एसटी के लिए सिर्फ जनजाति की कामना है। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका सुखमय जीवन रहे। वहीं इस पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की मीडिया अध्यक्ष शोभा ओझा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वचन निभाया और नवदंपत्ति को योजना के तहत 1,00,000 रुपए की राशि का चेक प्रदाय किया गया। दोनों शादी करी है, लक्ष्मी और सुरेश दोनों ही मूक बधिर बच्चे हैं, उनका आर्य समाज में आज विवाह हुआ है, उनको चेक दिया गया है। लक्ष्मी को 1,00,000 रुपये का चेक मिला है, जो कि मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था इस प्रदेश की बेटियों को कि उनके ब्याह में उनके घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उस वचन की आज शुरुआत हो गई है। आज पहला चक धार में मूक बधिर बच्चों को उनकी विवाह के समय जिला कलेक्टर ने जाके सौंपा है, इस बात की हमें बहुत खुशी। गौरतलब है कि धार जिले में अनुसूचित जनजाति की कन्या का यह एकल नवदंपत्ति के विवाह का राज्य शासन द्वारा किए गए योजना के संशोधन के बाद पहला विवाह है, लिहाजा कांग्रेस इसे अपने दिए गए वचन को निभाने के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।